हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सेशन दैट इज़ वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी सेशन। और ये एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये सर ने जो वोकैब कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है। सर ने डिफरेंट एग्ज़ाम से ली हुई वोकैब है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। और ये कुछ जो इसमें लिंक दिए हुए हैं, कुछ ऐसे लिंक होते हैं सर अपने मन से भी अलग से बता देते थे, जैसे जो अच्छा नहीं होता था, जो इससे और भी बेटर होता था वो लिंक सर बता देते, वो भी मैं भी यही करूँगी। जो और अच्छे लिंक होंगे वो बताऊँगी, वरना ये इसमें जो है वो भी बताऊँगी और अलग से ही बताऊँगी जो कुछ और बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला सेशन वोकैब का, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। फर्स्ट है हमारा एसीड्यूस। एसीड्यूस का मतलब होता है मेहनती या फिर डिलीजेंट। अब इसको लिंक क्या है, लिंक है इसका ऐसी दुआ, यानी ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। तो यहाँ से हमने क्या बनाया, ऐसी दुआ यानी ऐसी डूएस, ऐसी दुआ दो कि हम लोग ऐसी डूएस हो जाएं, यानी मेहनती हो जाएं, डिलीजेंट हो जाएं। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो ऐसी डूएस यानी ऐसी दुआ दो कि हम लोग ऐसी डूएस हो जाएं, ऐसी दुआ दो कि हम लोग ऐसी डूएस हो जाएं। नेक्स्ट चलते हैं अटरली। अटरली का मतलब होता है एंटायरली, संपूर्ण। अब यहाँ से आप लिंक देख सकते हो उतरली, यहाँ तक हमने ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया उतरली। तो यहाँ पे आपने देखा जो रात में पी थी वो सुबह में कम्प्लीटली उतरली। तो उतरली यानी एंटायरली, जो रात में पी थी वो सुबह में कम्प्लीटली उतरली, यानी अटरली यानी एंटायरली, अटरली यानी एंटायरली। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, यानी घृणास्पद। अब मीना एबल, यह है इसका लिंक। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, अब मीना एबल, तो यहाँ पे हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि वह एबोमिनेबल हो गई है, यानी अनप्लीजेंट हो गई है, एबोमिनेबल हो गई है। अब मीना इतनी एबल हो गई है कि वो एबोमिनेबल हो गई है, घृणास्पद हो गई, यानी उसका जो व्यवहार है बेकार हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट ओगरी। ओगरी मतलब क्या, तो आभास या फिर ओमैन जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, ओगोरी ओमैन। इसका लिंक से कोई मतलब नहीं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आपने भाभी जी घर पर सभी लोगों ने देखा होगा, वहाँ से हम बनाते हैं गौरी मैम से, ओ गौरी मैम आप इस पे विश्वास मत कीजिए क्योंकि ये बहुत सॉरी ओ गौरी मैम आपको इसका ओगरी नहीं है, यानी ओगरी नहीं है, आभास नहीं है इस चीज़ का। जो आप ये काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, इसका आपको ओगरी नहीं है, यानी आभास नहीं है, ओ मैन नहीं है, ओ गौरी मैम आपको इसका ओगरी नहीं है, यानी आभास नहीं है, ओ मैन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ देखते हैं कन्फ्रंट, यानी सामना करना, बियर्ड। कौन फ्रंट, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन फ्रंट यानी कौन फ्रंट पर आकर मेरा अपोज करेगा, कौन फ्रंट पर आकर मेरा कन्फ्रंट करेगा, कौन फ्रंट पे आके मेरा कॉन्फ्रंट करेगा यानी सामना करेगा, बियर्ड, कौन फ्रंट पे आकर मेरा कॉन्फ्रंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स लीथ मतलब मुलायम या फिर लिजोम। यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं, लिंक से इसको मैं समझाती हूँ। जैसे कि घोड़े की लीथ होती है, तो लीथ क्या होती है, बहुत ही लीथ होती है मुलायम होती है। अब याद करने के लिए आप लोग सोच रहे हो क्या बताई जा रही हूँ मैं, अब याद तो हमें याद करना है, कैसे भी करें हम इस चीज़ को याद, तो बस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे भी उल्टे सीधे मेथड हैं, आप बस याद कीजिए वर्ड्स को। लीथ, जो घोड़े की जो लीथ होती है वो बहुत ही लीथ होती है, यानी मुलायम होती है, लिजोम होती है। नेक्स्ट देखते हैं चेरी। चेरी का मतलब क्या होता है, सतर्क, वेरी कॉशियस। चेरी जो आप जो बोलते हो, चेरी आप लोगों ने खाई होगी, रेड कलर की होती है चेरी, हम जो खाते हैं, तो वहीं से देखते हैं चेरी खाते वक्त हमें कॉशियस या फिर केयरफुल होना चाहिए। जैसे कि हम जूस वगैरह पीते हैं उसमें चेरी डाल के देता है, तो वो जो हम वो चेरी खाते हैं तो उसे हमें खाते वक्त बहुत ही कॉशियस या फिर केयरफुल यानी चेरी होना चाहिए, यानी चेरी खाते वक्त हमें बहुत ही कॉशियस केयरफुल होना चाहिए, यानी चेरी खाते वक्त हमें चेरी रहना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए। बाउंटी का मतलब होता है उपहार, जेनरोसिटी। बाउंटी मतलब उपहार, जेनरोसिटी।
बंटी, इसको बनाएंगे बंटी से, कि बंटी ने सबको गिफ्ट दी, बंटी ने सबको बाउंटी दी, बंटी ने सबको बाउंटी दी यानी उपहार दी, जेनरोसिटी दी, बंटी ने सबको बाउंटी दी, बाउंटी मतलब जेनरोसिटी उपहार। डिफाइल यानी दूषित करना, इसको मैं अपना लिंक बताती हूँ। डिफाइल मतलब देश की फाइल, देश की फाइल, देश की फाइल क्या हो गई, डिफाइल हो गई है। डिफाइल यानी दूषित, देश की फाइल, देश की फाइल डिफाइल हो गई है यानी डिफाइल यानी दूषित, दूषित या फिर सली। डिम्पल, डिम्पल तो आप सभी लोग जाते हो गाल पे, सब डिम्पल पड़ जाता है उसी बोलते हैं, गाल पर पड़ने वाला डिम्पल यानी पिट, डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढा है। टिमेरिटी, टिमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस या फिर गुस्ताखी या फिर गल। टे मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो, टे मेरी टी, टे मेरी टी, टे मेरी टी पीने का टेमेरिटी कैसे कर सकते हो यानी दुस्साहस कैसे कर सकते हो, गाल दुस्सा गुस्ताखी। नेक्स्ट सीखते हैं कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, इम्पाउंड करना, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना या फिर इम्पाउंड करना। कौन फीस, इसको याद करेंगे कौन फीस से, कौन फीस, कौन फीस कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया है, उनके सामान को सीज कर लो। कौन फीस कैट मैम के पास जमा नहीं करवाया है, उसके सामान को कॉन्फिस्केट कर लो यानी जब्त कर लो या फिर इम्पाउंड कर लो, कॉन्फिस्केट कर लो। कौन फीस कैट मैम के पास अभी तक जमा नहीं करवाया, उसके सामान को कॉन्फिस्केट कर लो यानी जब्त कर लो, इम्पाउंड कर लो। नेक्स्ट इज डोलफुल, डोलफुल, डोलफुल का मतलब होता है दुखी या फिर मौनफुल। डॉली को फूल दे देना नहीं तो वो मॉर्निंग में मौनफुल हो जाएगी। डोलफुल यानी डॉली को फूल दे देना वरना वो डोलफुल हो जाएगी, डॉली को फूल दे देना वरना वो क्या हो जाएगी, डोलफुल हो जाएगी। डोलफुल यानी दुखी हो जाएगी, मौनफुल हो जाएगी। नेक्स्ट इज आवर कैजुअल, कैजुअल मतलब होता है बहलाना या फिर फ्लैटर करना। काजल को पिलाकर हमें कॉक्स करती है यानी बहलाती है, कॉक्स का मतलब भी होता है बहलाना, फ्लैटर मतलब बहलाना और कैजुअल मतलब कोई, काजल नाम की एक लड़की है वो हमें कोक पिला के हमेशा कैजुअल करती रहती है यानी बहलाती रहती है, फ्लैटर करती रहती है, दैट इज़ कैजुअल। नेक्स्ट देखते हैं, आप प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि, लेकिन सर जैसे क्लास में बताते हैं मैं भी बस पूरी कोशिश कर रही हूँ उसी तरह से आप लोगों को समझाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक या फिर पेन किलर, इनोक्यूस, तो एनोडाइन मतलब पीड़ा नाशक। अनुडाइन, इसको बनाएंगे अनुडाइन, अनुडाइन नहीं है माँ वो तो पीड़ा नाशक है, ये इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड, डाइन एन अनु, अनुडाइन नहीं वो तो अनुडाइन है। कोई बोल रहा है, कोई भी लड़का या लड़की है वो अपनी माँ से बोल रही है कि माँ अनुडाइन नहीं वो तो एनोडाइन है, एनोडाइन मतलब पीड़ा नाशक है, पेन किलर है, इनोक्यूस है, अनुडाइन नहीं वो एनोडाइन है यानी पेन किलर है। कॉलरिक, कॉलरिक का मतलब होता है गुस्सेल या फिर कैंटेंक्रस, कैंटेंस का कैंटेंक्रस मतलब यही होता है गुस्सेल या फिर झगड़ालू, उसको हम याद करेंगे कॉलर से, यहाँ पे हमने कहा कॉलर, कॉलर से हम बनाएंगे कॉलरिक। अगर तुमने मेरी मतलब किसी की हम कॉलर पकड़ लेते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, आप लोगों को पता ही, तो कॉलरिक को बताएँ कॉलर से, कॉलर से, अगर तुमने मेरी पकड़ी कॉलर तो मैं हो जाऊँगा कॉलरिक यानी गुस्से, गुस्सेल, अगर तुमने मेरी पकड़ी कॉलर तो मैं हो जाऊँगा कॉलरिक, कॉलरिक यानी गुस्सेल यानी गुस्से से भरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं बर्सर्क, बर्सर्क मतलब गुस्सा या फिर एंग्री, सर से चुनरी सरकते ही वो बर्सर्क हो गई यानी किसी की चुन्नी जैसे, कोई भी लड़की है उसकी चुन्नी जैसे सर से गिरी, सर से जैसे उसकी चुन्नी गिरी वो बर्सर्क हो गई मतलब गुस्से में हो गई, एंग्री हो गई वो। नेक्स्ट देखते हैं 18th, 18th इज अबंडन, अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, रिलिंक्यूश करना, अबंडन मीन्स त्याग देना या फिर रिलिंक्यूश करना। अब इसको बनाते हैं, अब आप सारे बंधन को अबंडन करो और मेरे संग चलो, इसको हम बनाते हैं इसको तोड़ के, अब बंधन से, अब बंधन को तोड़ के, अब हम सारे, अब इसका इसको ऐसे बनाते हैं, अब सारे बंधन को हम अबंधन कर देते हैं यानी त्याग देते हैं, अब ए, अब सारे बंधन को हम अबंधन कर देते हैं यानी त्याग देते हैं, रिलिंक्यूश कर देते हैं, ये हो गया अबंडन यानी त्याग देना, रिलिंक्यूश कर देना। नेक्स्ट चलते हैं अडामेंट, अडामेंट का मतलब होता है जिद्दी या फिर स्टबर्न
यानी तुम्हारी अडामेंट होने की अदा मुझे भा गई, तुम्हारी अडामेंट होने की अदा मुझे। अच्छा, जैसे कि कोई भी अडामेंट यानी कोई जिद्दी पर्सन है, उसकी जो अदा है, उसकी जो अदा है, अदा अदा मेरे मन को भा गई, यानी जो तुम्हारी जो अडामेंट की जो अदा है वो मेरे मन को भा गई, यानी जो तुम्हारी ये जिद्दी पने की, ये जो जो तुम्हारा व्यवहार है इस तरह का जिद्दी पने का है, वो किसी को नहीं पसंद आता। वैसे जो कोई इंसान अगर जिद्दी है तो नहीं पसंद आता, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, ये जो तुम्हारी अदा है वो मेरे मन को भा गई। कौन सी अदा? ये जो तुम्हारी अडामेंट वाली जो अदा, यानी जिद्दीपन की जो अदा है, यानी स्टबन या फिर जिद्दी। अडामेंट मतलब जिद्दी या फिर स्टबन। लास्ट बचा हुआ है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है असंगत, बेतुका, बेढंग, जो भी होता है सारे मतलब होते हैं एब्सर्ड के। प्री पोस्चर, गर्मी में सर्द होना अबशर्द है, यानी अबशर्द यानी अब, जैसे अब हमने माना अब गर्मी है और गर्मी में सर्दी है, किसी बंदे को गर्मी में सर्दी लग रही है तो ये बहुत ही अबशर्द बात होगी, यानी बेढंगी बात होगी, असंगत बात होगी, प्रीपोस्टरस बात होगी, ये ऑब्वियस है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अब एब्सर्ड मतलब असंगत या फिर बेढंगा। अब हम चलते हैं इसके सिनोनियम और एंटोनियम की तरफ। ये हैं इसके सिनोनियम एंड एंटोनियम, चलिए देखते हैं। अगर आपको कोई मतलब समझ में नहीं आया पूछ लेना, और वरना डिक्शनरी भी आप लोग देख सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं हम बेस्ड ऑन सिनोनियम्स ऑफ द वर्ड्स। ये हैं हमारे सिनोनियम्स। तो देर एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी दुआ दो कि हम लोग एसिडुअस हो जाएँ, यानी मेहनती हो जाएँ। तो यहाँ पर इसका क्या बन सकता है, इसका देखना आप सब में। सेडुअस, सेडुलस, सेडुलस का मतलब भी मैं नहीं होता है, तो एसिडुअस को हम मैच करेंगे सेडुलस से। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। सेकंड देखते हैं अटरली। अटरली का मतलब मैंने आपको बताया था एंटायरली, यानी सुबह तक उतरली, उतरली मतलब एंटायरली, एंटायरली। तो सेकंड का पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अटरली का कौन सा बनेगा, एंटायरली ये रहा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन, एंटायरली। थर्ड देखते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मैंने आपको बताया था अबमीना एबल हो गई है, तो वो एबोमिनेबल हो गई, यानी घृणास्पद हो गई है, अनप्लीजेंट हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि ओडियस, ओडियस हो गया। ओडियस का मतलब होता है अप्रिय या फिर घृणास्पद, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, हो गया थर्ड। ओडियस यानी अप्रिय होता है इसका मतलब, तो यही हो गया एबोमिनेबल। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ वन इज ओगरी। ओगरी का मतलब मैंने बताया था आपको आभास, ओ गोरी, मैंने आपको इसका ओगरी नहीं, यानी आभास नहीं है। तो यहाँ पे इसका ओमैन, ये उसमें लिखा भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये हो गया फोर्थ ओमैन। कॉन्फ्रंट यानी कौन फ्रंट में आके मेरा कॉन्फ्रंट करेगा, यानी सामना करेगा। तो फिफ्थ वाले का देखते हैं इसमें कौन सा होगा, बियर्ड, बियर्ड हो जाएगा इसका कॉन्फ्रंट, यानी बियर्ड यानी सामना करना। नेक्स्ट देखते हैं लीथ। लीथ मतलब होता है मुलायम, लिजम, सप्पल, येरा से, ये हो गया सिक्स। सप्पल का मतलब भी यही होता है मुलायम। नेक्स्ट देखते हैं चेरी। चेरी का मतलब मैंने आपको बताया था कॉशियस, सावधान, तो यहाँ पे इसको मैच करते हैं चेरी को, जे यरा वेरी, वेरी का मतलब भी यही होता है सावधान। नेक्स्ट देखते हैं बाउंटी, एट, बाउंटी मतलब होता है उपहार, जेनरोसिटी, तो यहाँ पे मैच करते हैं इसको, ये होगा मैग्नेनिमिटी से। एट्थ मैग्नेमिनिटी, डिफाइल, देश की फाइल क्या हो गई, डिफाइल हो गई यानी दूषित हो गई है, इसको मैच करेंगे दूषित यानी सली। नाइन्थ एंड टेंथ है डिम्पल, डिम्पल यानी पिट के गले पे जो गड्ढा होता है वो होता है डिम्पल। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट टू की तरफ। तीन प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, टू प्रैक्टिस सेट देखते हैं। टिमेरिटी, टिमेरिटी मतलब मैंने आपको बताया था गुस्साहस, तो सॉरी दुस्साहस, तो ये रहा है गल, मैंने इसका मतलब बताया था गल मतलब दुस्साहस। कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर लेना, ये रहा इसका ट्वेल्थ। इम्पाउंड यानी जब्त कर लेना, सीज कर लेना। फोर्थ वन इज डोलफुल, डोलफुल मैंने आपको बताया था उदास, सैड, दुखी, तो इसको मैच करते हैं थर्टीन्थ को बी से, बी होगा क्योंकि इसका मतलब वर्ब कौन का मतलब भी यही होता है दुखी या फिर पीड़ित, तो इसको यहाँ से मिला सकते हैं। थर्टीन्थ पॉइंट हो गया ये हमारा। फोर्टीन्थ है कैजुअल, कैजुअल मतलब मैंने आपको बताया था बहलाना, फुसकारना,
तो इसका देखते हैं, वीडल, वीडल हो गया, वीडल का मतलब होता है मनाना किसी को, तो ये भी सिनोनिम हो गया इसका। इस सिनोनिम में ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मतलब हो उसका, आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, जो भी बेस्ट ऑप्शन हो उससे जो मैच हो उसका उसी से हम उसको रिलेट कर देते हैं। तो इसका वीडल हो गया। एनोडाइन, एनो मतलब वो, एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक, तो इसका मतलब हो गया पेन किलर, 15th। एंड कॉलरिक, कॉलरिक मतलब गुस्सेल, गुस्सेल यानी इसमें देखते हैं कहाँ है गुस्सेल, यानी कैंटेंक्रस, वही हो गया झगड़ालू या फिर गुस्सेल, 16th। अब देखते हैं 17, बर्सर्क, बर्सर्क इसका कौन सा होगा देखते हैं, ये भी एंग्री मैंने आपको बताया था, 17th हो गया एंग्री। अबंडन, अबंडन मतलब त्याग देना, त्याग देना, रिलिंक्यूश, रिलिंक्यूश का मतलब भी होता है त्याग देना। अडामेंट होता है जिद्दी, जिद्दी इसमें कौन सा, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब भी होता है जिद्दी, तो ये हो गया 19th। एंड 20th, ये 20 बचा हुआ है इस, तो ये 20 होगा। एप्सेड यानी प्रीपोस्टरस, बेतुका, बेढंगा, तो ये तो कुछ सिनोनियम्स। अब हम चलते हैं एंटोनियम्स की तरफ। ये हैं एंटोनियम्स, 10 इसके एंटोनियम्स, इनको देख लेते हैं। पहला है एसीडुअस, एसीडुअस, एसीडुअस क्या मतलब था, मेहनती, तो इसमें इसका एंटोनियम हमें देखना है। एंटोनियम जैसे देख सकते हैं लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब होता है सुस्ती। ये कुछ मैंने लिख दिए हैं वर्ड्स, इनके मतलब नहीं पता था इसलिए उस टाइम जब मैंने क्लास में किए थे उसी टाइम लिख लिए थे मैंने ये, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी इससे थोड़ी। एसीडुअस मतलब होता है क्या, जो मेहनती होता है, तो यहाँ पर लिथार्जिक होगा इसका 21, क्योंकि लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, तो यही एक ऐसा इनमें से मेल इसका जो मैच है सुस्त, यानी इसका एंटोनियम हो गया एसीडियस का। नेक्स्ट है एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का क्या होगा, इसका होगा प्लीजेंट, क्योंकि एबोमिनेबल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, तो इसका हो जाएगा प्लीजेंट, 22। कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट मतलब सामना करना, तो इसका क्या होगा डॉज, डॉज यानी कतराना या फिर टाल देना, यह होगा 23। चेरी, चेरी मतलब क्या था, सतर्क, सतर्क होना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हीडलेस यानी असावधान, ये हो जाएगा 24th। एंड 25 था डिफाइल, डिफाइल मतलब दूषित, इसका हो जाएगा प्योरीफाई। एंड 26 है डोलफुल, डोलफुल मतलब क्या था उदास, तो इसका हो जाएगा इलेटेड, इलेटेड मतलब, इलेटेड मतलब होता है उत्तेजित होना या फिर प्रफुल्लित होना, इलेटेड, तो इसका हो जाएगा ये 26। कॉलिक, कॉलिक मतलब होता है गुस्सेल, गुस्सेल जो होता है वो होता है कॉलिक, तो इसका हो जाएगा जिनाइल हो जाएगा बी, 27 का। एंड 28 है अबंडन यानी त्याग देना, त्याग देना, इसका हो जाएगा रिटेन यानी दोबारा से पाना किसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा 28। देखते हैं 29, अडामेंट, अडामेंट क्या होता है जिद्दी या फिर हटी, तो इसका हो जाएगा के, एक्सेंट या मतलब सहमत होना, हो जाएगा 29। देखते हैं 30, 30 मतलब अपसर्ड, अपसर्ड मतलब बेतुका, बेढंगा, तो इसका आ जाएगा रेशनल, मतलब रेशनल का मतलब होता है जो उचित हो, तर्कसंगत हो, तो वो होता है रेशनल, तो इसका हो जाएगा। अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, तो इसका हो जाएगा पार्शियली। फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 20 वर्ड्स जो हमने सीखे, और इसके मैंने आपको सिनोनिम और एंटोनियम भी बताए। आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ बताइएगा, जरूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।